अर्थ प्रकाश दिन में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि आज हरियाणा विधानसभा का 14वें विधानसभा का पहला स्तर था, पहला दिन था, और पहले दिन के अंदर बहुत कुछ हरियाणा विधानसभा में देखने मिला, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जजपा के तमाम MLA सेक्रेटेरिएट से विधानसभा तक पद यात्रा करते हुए आए, और विधानसभा के अंदर भी जो दृश्य था वो भी बहुत पिछले से बिल्कुल अलग था। इस विधानसभा के अंदर जहां पर दुष्यंत चौटाला अपनी माता जी श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ बैठे थे, और साथ में अभय चौटाला जी दूसरी तरफ बैठे थे, और हुड्डा साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभय चौटाला वाली चेयर पे बैठे थे। यानी कहने का मतलब विधानसभा का अंदर का जो हम कह सकते हैं दृश्य बिल्कुल ही अलग था। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली विधानसभा के अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटम स्पीकर की। आज सुबह डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जो बेरी से MLA हैं, जो सबसे सीनियर विधायक हैं हरियाणा विधानसभा के, उनको राज्यपाल ने सबसे पहले प्रोटम स्पीकर की शपथ दिलाई, और उन्होंने विधानसभा के अंदर सभी विधायकों को एक सीरियल वाइज विधानसभा की शपथ दिलाई सारे MLA को, और कुछ MLA ने हिंदी में शपथ ली, कुछ ने पंजाबी में ली। और सबसे बड़ी बात है जो हिसार के कमल गुप्ता जी हैं, उन्होंने संस्कृति के अंदर अपनी विधानसभा की शपथ ली, स्तर की शपथ ली। जैसे अर्थ प्रकाश कल से दावा कर रहा है कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ही अपने विधानसभा के स्पीकर बनेंगे, आज उस दावे पर भी मोहर लगी जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा के अंदर ज्ञानचंद गुप्ता जी का, जो पंचकुला से दूसरी बार विधायक है, उनका नाम स्पीकर के लिए प्रपोज किया, और उनको निर्विरोध उनको विधानसभा स्पीकर उन्होंने मनोनीत हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। और सबसे जो डिप्टी स्पीकर की बात है उस चुनाव की, तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपने स्पीच में कहा कि इसको हम पेंडिंग करके थोड़े दिन बाद डिप्टी स्पीकर का हम चुनाव कराएंगे। और जैसे अर्थ प्रकाश हमेशा दावा करता है, सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली आज मुख्यमंत्री जी ने भी आज अर्थ प्रकाश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए अर्थ प्रकाश को अपनी दिल की भावनाएं बताई। उसके बाद कंवरपाल जी जो पहले स्पीकर पूर्व स्पीकर थे उन्होंने बताई, गोपाल कांडा जी ने बताई, और उसके बाद सुभाष चौधरी जी ने बताई। इस तरह से अनेकों MLA ने अपनी दिल की बात अर्थ प्रकाश से बताई। और जैसे हम सब जानते हैं, जैसे हम कल से दावा कर रहे हैं, दो तीन दिन से ही दावा कर रहे हैं कि, और अर्थ प्रकाश ने न्यूज भी लगाई थी कल कि ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा स्पीकर हो सकते हैं। और जब विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी बन गए और अपने ऑफिस में आए, और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी सबसे पहले ये अर्थ प्रकाश ये दावा करता है कि अर्थ प्रकाश वेब टीवी पर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने सबसे पहले अपनी इंटरव्यू दी, ये आज की झलकियां थी विधानसभा की। और ये मैंने अभी ये बातों में बताई है, लेकिन हम इसको आपको वीडियो में आपको एक तरतीब वाइज आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम साहब कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। शालीनता की जो परिभाषा आपने दी आज, आपसे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, हम तो पहली बार भी विधायक थे, दोबारा फिर विधायक बने हैं, और संगठन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रकार से जो मैं तो कहूँगा जो गवर्नमेंट जो ये शालीनता की आज मिसाल कायम किया, मुख्यमंत्री पद यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ा विजन है, उन्होंने कहा कि सभी विधायक आज हम यहाँ से पैदल चलेंगे, तो सारे ट्रैफिक ही देखते हुए उन्होंने कहा कि ज़्यादा उसमें ट्रैफिक में फंसेंगे, तो इसलिए सब पैदल चल रहे हैं। तो आपने देखा कि ये थानेसर से विधायक सुभाष चौधरी जी ने अपने किस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए। कंवरपाल जी हैं और साथ में सुभाष शर्मा जी, इनको पुष्प देते हुए नई विधानसभा में स्वागत करते हुए। कंवरपाल जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी धन्यवाद जी। अब हम कंवरपाल जी को स्पीकर देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो स्पीकर साहब ने ये स्पष्ट इंडिकेशन दे दिया कि ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम स्पीकर में देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे। शर्मा जी ने जो संकेत दिया ना, वो और हमारे बीच में गोपाल कांडा जी जो MLA फिर से दोबारा से बन कर रहे हैं, निर्दलीय तौर पर बन कर रहे हैं। गोपाल कांडा जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो ये गोपाल कांडा जी हमारे बीच में थे, और इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके? भाई साहब मुद्दे बताएंगे विधानसभा में, सारे आपके सामने आएंगे सारे मुद्दे। चलो, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। गुप्ता जी बहुत सर।
ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।